फ्रंट पर जल्द ही डच कैफे बनकर तैयार होगा। इसे 1 करोड़ 20 लाख की लागत से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड तैयार कर रहा है। क्या है इसकी खासियत, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। खुला आसमान, गंगा का किनारा और डच कैफे का जायका, ये सपना जल्द ही पटना के घाट पर साकार होने वाला है। गंगा रिवर फ्रंट पर बन रहे डच कैफे में स्वाद और सौंदर्य प्रेमियों की मुराद एक साथ पूरी होने वाली है। खान पान के शौकीनों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होगी। पटना यूनिवर्सिटी और पटना कॉलेज के ठीक पीछे इस कैफे का निर्माण हो रहा है, जहां बिहार के परंपरागत व्यंजनों के साथ दक्षिण भारतीय आहार भी परोसे जाएंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की माने तो इसका उद्घाटन 15 अगस्त के दिन तय किया गया है। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग को कुछ भी अगर नाश्ता वगैरह करना होता है तो हम लोग कॉलेज के बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग के लिए तो बहुत सुविधाजनक है। लगभग एक महीने या डेढ़ महीने के अंदर तो तैयार हो ही जाएगा, और इससे बहुत सारा फायदा है बच्चों को, क्योंकि उनको थोड़ा सा कुछ खाने का मन करता है तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे बच्चे फिर आलस के चलते जा नहीं पाते, उतना जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, और यहाँ पे रहेगा तो टाइम भी बचेगा और सब स्टूडेंट एक दूसरे दोस्त मिलकर खा भी सकेंगे और यहाँ का नज़ारा हम देख सकते हैं। डच कैफे तैयार होने पर कुछ ऐसा दिखेगा, इसको एल शेप में बनाया जा रहा है। इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से शीशे लगे होंगे, जिसके अंदर चाय या कॉफी की चुटकी के साथ गंगा की लहरों का प्राकृतिक आनंद लिया जा सके। सबसे बड़ी बात, इसका नाम डच कैफे क्यों रखा गया, इसका रहस्य भी जान लेते हैं। ये डच कैफेटेरिया अपना है, ये पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनाया जा रहा है और ये पूरा वास्तुशास्त्र के अनुसार से है। इसका व्यू देखिएगा तो एल शेप में है और ये फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर में है, और इसमें 50 लोग अप्रॉक्सीमेट बैठ के अपना ये कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में बिहारी और सभी साउथ इंडियन फूड्स का आनंद लेंगे। हो सकता है उद्घाटन में कुछ देरी हो जाए, लेकिन जब डच कैफे बनकर तैयार होगा तो यकीन मानिए पटना के लोगों को अपनी शाम बिताने की नई जगह भी मिल जाएगी। गंगा की लहरें और खुला आसमान, उसके नीचे खानपान और जलपान, ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि जल्द ही पटना में गंगा रिवर फ्रंट के किनारे एक शानदार डच कैफे बनकर तैयार हो रहा है, जहां पे ये सभी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।